गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट फोर ऑफ चैप्टर सेवन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। डू यू नो व्हाट इज ब्रीथिंग? यस, टेकिंग इन एंड गिवन आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड एक्सहेलेशन इज गिवन आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन इनहेल एंड एक्सहेल और ब्रीथ इन वन मिनट इज नोन एज ब्रीथिंग रेट। सो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज टर्म्स एज ब्रीथिंग रेट। सो वन ब्रीथ इज वन इनहेलेशन एंड वन प्लस वन एक्सहेलेशन। नाउ पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। द एयर इज पास थ्रू द नेसल कैविटी, दैट इज एयर इज पास थ्रू द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स लीड टू नेसल पैसेज, देन नेसल चैम्बर्स, देन नेसोफेरिनेक्स, देन गोज टू लेरिनेक्स, देन गोज टू ट्रैकचे, देन प्राइमरी ब्रोंची, देन सेकेंडरी ब्रोंची, देन टेरिटरी ब्रोंची, एंड देन टर्मिनल ब्रोंचियोल्स, देन एल्वियोली। इन दिस प्रोसेस ब्रीथिंग इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इंस्पिरेशंस और इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशंस और एक्सहेलेशंस। इंस्पिरेशंस एयर मूव्स इनटू द लंग्स, व्हाइल इन एक्सपिरेशंस एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स। द लंग्स देमसेल्फ हैव नो मसल्स टिश्यूज, देयर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द रिब केज एंड डायफ्राम। सो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। द इंटायर प्रोसेस अकर बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी ऑल नो दैट वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, एंड व्हेन वी ब्रीथ इन एयर पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी। एयर देन रिचेज द लंग्स विच आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। द एक्चुअल mechanism of breathing involves the movement of the rib cage and diaphragm, which are located around or at the base of the chest cavity respectively. So during inhalations we take in air. So for taking in air, firstly the space must be inside the lungs, so diaphragm moves down and rib moves upward and outwards, thereby increasing the space in the chest cavity. This leads to the movement of air inside the lungs. During exhalations we reduce the size of the chest cavity, so diaphragm moves to its former positions and the rib cage moves downwards, so this leads to the movement of air outside of the. Next is, how is oxygen transported from lungs to other parts of the body? In our body there is red blood cells. Hemoglobin transport oxygen to all the body cells for cellular respirations. The hemoglobin pigment present in the blood gets attached to oxygen molecules that are obtained from the breathing, and thus forms oxyhemoglobins. This oxygenated blood is then distributed to all the body cells of the body by the heart. Hearts do the pumping of the blood.
After giving away oxygen to the body cells, blood takes away CO2, carbon dioxide, which is the end product of the cellular respirations, and blood becomes deoxygenated. This hemoglobin also transports CO2 from the different cell to the lungs, from where it is exhaled. Why do we need to breathe out or exhale carbon dioxide? Because high level of carbon dioxide in the body can be toxic, and hence carbon dioxide need to be removed. It is brought to the lungs by the blood and then removed when we exhale. Thank you.